डांस करते हुए, पार्टी करते हुए, जिम करते हुए, नाटक करते हुए, रामलीला करते हुए दिल साथ छोड़ रहा है और सब कुछ सही होता है, अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है और थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है उसकी मौत हो जाती है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और सबकी वजह है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। बीते कुछ दिनों में कार्डियक अटैक की वजह से मौतों की कई वीडियो वायरल हुई है, कई वीडियो सामने आए। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक वीडियो सामने आया जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार को कार्डियक अटैक होता है और डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे कई मशहूर हस्तियों की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी हार्ट अटैक का मामला आज सामान्य सी घटना हो गई है और आज हमारी जिंदगी सोशल है, इसलिए हार्ट अटैक के वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाते हैं और कुछ समय के लिए हम जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं लेकिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज आपको वो आंकड़े भी देखने चाहिए जिससे आपको हार्ट अटैक की गंभीरता अब समझ में आएगी। एनसीआरबी के मुताबिक बीते 5 वर्षों में देश में हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं करीब 53% तक बढ़ चुकी हैं और वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,309 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2019 में हार्ट अटैक से 28,005 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आपको बीते 6 वर्षों में हार्ट अटैक से जो मौत हुए हैं उनके आंकड़े भी बताते हैं, इससे आप समझेंगे कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं और आपको वाकई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,309 लोगों की मौत हुई, वर्ष 2015 में 18,820 लोगों की जान चली गई और वर्ष 2016 में 21,914 लोगों को हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि यही आंकड़ा 2017 में 23,246 तक पहुंच गया जिनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बनी। वर्ष 2018 में हार्ट अटैक से मौतों का यह आंकड़ा और बढ़ता है और 25,764 तक यह पहुंच जाता है और वर्ष 2019 में 28,005 लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। यानी हार्ट अटैक को लेकर जो अभी तक की सोच थी वो बीते कुछ वर्षों में बदल चुकी है। पहले यह माना जाता था कि केवल उम्र दराज लोगों को ही हार्ट अटैक होता है, लेकिन अब यह सच्चाई बदल चुकी है। हार्ट अटैक से जुड़े जो आंकड़े आते हैं वो उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा चिंताजनक है। किस उम्र में कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है इसको लेकर भी एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक के आंकड़े जारी किए गए और आपको जब ये आंकड़े हम दिखाएंगे और समझाएंगे तो उसके बाद आपकी चिंता बढ़ेगी। और हम फिर से कह रहे हैं चिंतित नहीं होना है, अलर्ट होना यानी सावधान होना है। वर्ष 2016 में 1,940 लोगों की जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच थी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वर्ष 2019 में 2,381 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच थी, ये आयु सीमा। और इसी तरह वर्ष 2016 में 6,646 लोगों की जान चली गई उनकी जिनकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच थी और वजह हार्ट अटैक। वर्ष 2019 में 7,752 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिनकी उम्र 30 वर्ष के से लेकर 45 वर्ष के बीच थी। इसी तरह वर्ष 2016 में 8,862 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिसकी उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी। वर्ष 2019 में 11,042 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिनकी उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी। अब सोचिए कि डॉक्टर भी अब कहते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और यह दिल दरअसल किसी की नहीं सुन रहा है, इसलिए आपको अपनी सुननी होगी और दिल का ख्याल रखना होगा। और डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर गिर गया तो उसकी और उसकी पल्स भी गिर रही हो तो इसका मतलब यह है कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया है। दरअसल हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर होता है। अब हमने आपको कुछ ऐसे वीडियो शुरुआत में दिखाए थे जिसमें अचानक कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस स्थिति में तुरंत CPR देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है।
शुरुआत में सीपीआर देने के बाद मरीज को अस्पताल ले जा सकते हैं और सीपीआर में आप दोनों हाथों को मरीज की छाती के बीच में रखकर 100 से 120 बार प्रति मिनट की दर से जोर से छाती पर धक्का दिया जाता है और हर धक्के के बाद छाती को फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आने दिया जाता है। जब तक मेडिकल सहायता नहीं मिलती तब तक ये किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले 10 लोगों में से 4 की उम्र 45 साल से कम है, जबकि 10 वर्षों में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या 75% तक बढ़ी है और ये एक बेहद चिंता का विषय है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया जिससे देश में हार्ट अटैक की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका दिल स्वस्थ रहे। बीते कुछ वर्षों में हमारे लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है। आजकल युवाओं में अल्कोहल और धूम्रपान का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाने लगा है और इसका नतीजा यह होता है कि दिल और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो युवक दिन भर में 10 सिगरेट पीते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। आजकल लोग खान पान को लेकर भी बेहद लापरवाह हो गए। जंक फूड अब उनका फेवरेट डिश बन चुका है, लेकिन ये जंक फूड तले भुने होते हैं और हमारे लिए जानलेवा है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और इसका बढ़ती है और इसका सीधा असर आपके दिल पर होता है। और आज सबको आगे बढ़ना है, इसलिए लगातार काम करना है और ये वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि बेचारा दिल इसे संभाल नहीं पाता है और आज युवाओं में हार्ट अटैक होने की ये एक बड़ी वजह भी बन चुकी है। शानदार बॉडी बनाना आज युवाओं को बड़ा टारगेट मिलता है और उनको शायद ये अच्छा भी लगता है कि वो अच्छे दिखते हैं, लेकिन टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वो ऐसी गलती करते हैं जो उनके जान पर भारी पड़ जाती है। जिम में पसीना बहाने के साथ साथ जल्द से जल्द बेहतर बॉडी के चक्कर में स्टेरॉइड और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन लेने लगते हैं और ये न्यूट्रिशन उनके दिल के लिए जानलेवा बन जाता है। इससे ब्लॉकेज होते हैं और हार्ट अटैक की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लगातार तनाव लेना, हाई ब्लड प्रेशर, पूरी नींद नहीं लेना, ऐसे कुछ और भी कारण हैं जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। यानी दिल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये हमारे लेफ्ट में होता है लेकिन अक्सर राइट बातें ही कहता है, तो फिर हम दिल की क्यों नहीं सुनते हैं? और दिल को सुनने का मतलब इसका ख्याल रखना। तो अब आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए क्योंकि ये मामला दिल का है। हमेशा स्वस्थ संतुलित भोजन खाएं जिसमें हरी सब्जियां हो, फल हो, सलाद हो, जितना हो सके उनका सेवन ज्यादा करें। भोजन बनाने में तेल का आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। धूम्रपान और शराब से दूरी बनानी होगी। ब्लड प्रेशर को 120/80 यानी इस आंकड़े के बीच में MMHG रखने की कोशिश करें और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी आपको नियंत्रित रखना होगा। नियमित रूप से व्यायाम करना होगा लेकिन जल्द से जल्द बॉडी बनाने की गलती नहीं करें। हड़बड़ाहट नहीं चाहिए। मेडिटेशन और योग की आदत डालें। मोटापा कंट्रोल करें क्योंकि हार्ट अटैक के पीछे मोटापा भी एक प्रमुख वजह है। डॉक्टर से हर साल स्वास्थ्य की जांच कराएं।